दिल्ली शराब घोटाले पर बड़ा खुलासा हुआ है जिसने केजरीवाल सरकार की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी फंसे हुए हैं। वहीं अब शराब घोटाले को लेकर बड़ी बात सामने आई है। दरअसल शराब घोटाले की लड़ाई के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने वकीलों को 25.25 करोड़ का भुगतान किया है। सूत्रों ने बताया कि कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले को लड़ने वाले वकीलों को करोड़ों की फीस दी गई है। पिछले 18 महीनों में कुल 28.10 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकार ने वकीलों के फीस पर खर्च किए हैं। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी को 25.25 करोड़ में से 18.97 करोड़ रुपए मिले, जबकि जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन के मामलों में अक्सर पैरवी करने वाले एक अन्य वकील राहुल मेहरा को 5.30 करोड़ रुपए मिले हैं। सूत्रों ने यह कहा है कि वकीलों की फीस पर पिछले 18 महीनों के दौरान 28.10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये मामला सामने आते ही बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा कि सिर्फ आबकारी नीति ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के गलत कामों के बचाव के लिए कानूनी फीस दिल्ली के सरकारी खजाने में छेद कर रही है। आम आदमी पार्टी सरकार ने अब तक वकीलों पर 25.25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें से अभिषेक मनु सिंघवी ने 18.97 करोड़ और राहुल मेहरा ने 5.30 करोड़ खर्च किए गए हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाला न सिर्फ अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए मुसीबत बन चुका है बल्कि कानूनी लड़ाई का भारी भरकम बोझ भी सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग का 2020-21 में जहां वकीलों पर खर्च जहां शून्य था, वहीं 2021-22 और 2022-23 से 30 नवंबर तक के बीच में विशेष वकीलों को 25.25 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। दिल्ली सरकार ने 2021-22 में नई आबकारी नीति बनाई थी। 17 नवंबर 2021 में लागू हुए नए नियम को लेकर भाजपा ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा ने घोटाले के आरोप लगाए। 23 जुलाई 2022 को LGV के सक्सेना ने CBI जांच की सिफारिश कर दी। सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार की ओर से दाखिल रिपोर्ट पर CBI जांच की सिफारिश की। CBI के बाद ED ने भी केस दर्ज किया है। शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और आबकारी विभाग संभालने वाले मनीष सिसोदिया भी आरोपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।